किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इंसान सुनता है मन भर, सुनने के बाद प्रवचन देता है टन भर और खुद ग्रहण करता है कण भर। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक गरीब आदमी एक बार घूमता घामता एक राज्य की राजधानी में पहुंच गया। जिस दिन वो वहां पहुंचा उस दिन वहां समारोह हो रहा था, उत्सव चल रहा था। उसने पूछा लोगों से कि भैया क्या चल रहा है, तो एक ने बताया कि यहां पर हस्ती पटबंधन समारोह चल रहा है। इसने पूछा भाई क्या होता है इसमें, तो इसे बताया गया कि यहां पर क्या होगा, अभी थोड़ी देर में शाही हाथी आएगा और इस रास्ते से गुजरेगा, उसकी सूंड में एक माला होगी, उसने वो माला जिस व्यक्ति को पहना दी उसे इस राज्य का राजा अगले 5 साल के लिए बना दिया जाएगा। जहां इस व्यक्ति ने बात सुनी, गरीब आदमी ने, उसने कहा अपन भी खड़े हो जाते हैं लाइन में, क्या पता अपनी किस्मत चमक जाए और शायद आज मेरा दिन है कि मैं घूमते घामते यहां पहुंच गया हूं। ये भी खड़ा हो गया लाइन में। जैसे वो हाथी आया, शायद उस दिन प्रभु को यही मंजूर था, यही कृपा थी, वो हाथी आया, उसकी सूंड में माला थी, उसने वो माला इस गरीब आदमी को पहना दी और जैसे इसके गले में माला डली लोग जयकारे लगाने लगे कि क्या बात है, मैं अपना अगला राजा मिल चुका है। राजपुरोहित ने इसे बुलाया, इसका तिलक किया और कहा अब आप सुन लीजिए शर्तें। तो इसने सोचा शर्तें भी है, तो इसने कहा बताइए क्या बात है। तो राजपुरोहित ने कहा कि आपको अगले 5 साल के लिए इस राज्य का राजा बनाया जा रहा है, लेकिन 5 साल के बाद आपको ये राज्य छोड़ के जाना पड़ेगा, ये राजधानी छोड़ के जानी पड़ेगी। जंगल में एक नदी है जिसमें बड़े बड़े मगरमच्छ घड़ियाल हैं, वो उनसे मुकाबला करना होगा, अपनी ताकत दिखानी होगी, अगर आपने ताकत दिखा दी तो आप वो नदी पार करके जंगल में उस तरफ एक गांव है प्यारा सा सुंदर सा, वहां जाके अपना जीवन बिता सकते हैं। कुछ लोगों ने ऐसा किया है, कुछ लोग अपना जीवन गंवा चुके हैं। अब आप बताइए कि क्या आप 5 साल के लिए राजा बनने के लिए तैयार हैं? गरीब आदमी, इसके पास खोने के लिए कुछ नहीं, गंवाने के लिए कुछ नहीं, इसने अपने अपने जीवन को सोचा, लाइफ को सोचा, इसने कहा सही है 5 साल तो राजा रहेंगे, फिर कुछ डिसाइड कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो होगा। 5 साल के लिए राजा बनने के लिए तैयार हो गया और इसने 5 साल अपने जीवन के जो सबसे बेहतरीन साल थे उसमें बहुत अच्छे से काम किया, सबका ख्याल रखा, सबका ध्यान रखा, सबका फेवरेट बन गया। और 5 साल कब खत्म हो गए पता नहीं चला, विदाई का दिन आ गया, लोगों की आंखें भर आई कि इतना अच्छा राजा हमें छोड़ के जा रहा है। लोग रोने लगे कि इस बेचारे को अब यातना सहनी पड़ेगी, वो नदी जो है उसमें मगरमच्छ घड़ियाल सब मिलेंगे, क्या पता मर ना जाए। ढोल नगाड़ों के साथ में विदाई हुई, जंगल में पहुंचे उस नदी के इस किनारे पर, इसकी विदाई के लिए लोग तैयार थे, लेकिन जैसे ही इसने प्रणाम किया सबको कि धन्यवाद बहुत अच्छा रहा, चलने लगा, तो लोग चौंक गए। ये खुशी खुशी नदी पार कर रहा था क्योंकि इसने उन 5 सालों में उस नदी पर लकड़ी का पुल तैयार करवा दिया था। लोग वापस प्रसन्न हो गए कि चलो सुरक्षित रहेंगे राजा साहब, अब वहां रहेंगे लेकिन अच्छे से रहेंगे। कहानी राजा की और नदी की नहीं है, कहानी आपकी हमारी है। हमें भी एक लिमिटेड पीरियड मिला है जिसमें हम इस मनुष्य रूप में आए हैं, लेकिन अब हम पर डिपेंड करता है कि क्या हम जब यहां से जा रहे होंगे तो क्या हम इस भवसागर को पार करने के लिए वो पुल तैयार करते हैं, अच्छे कामों से, दुआओं से, प्रार्थनाओं से, मेडिटेशन से, कि जब हम ये दुनिया छोड़कर जा रहे हों तो हमें यातनाएं ना सहनी पड़े, हमें ऐसी जगह ना जाना पड़े जिसे नरक कहते हैं, हम कुछ अच्छा करें और भवसागर पार करके पहुंच जाएं वहां जो दूसरा लोक है। ये छोटी सी कहानी बस यही सिखाती है कि अच्छे कर्म करते चलिए, दुआएं कमाते चलिए, बाकी सब वो देख लेगा। एक बार फिर से वही बात कहूंगा जो अक्सर कहता हूं, अपनी सच्ची मेहनत, अपनी फैमिली के प्यार और ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ कर दिखाओ को जैसा कि दुनिया करना चाहे।